सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि विजय मेहर सर ने ये वाला फोटो एडिटिंग किस तरह से की थी। इसका जो बैकग्राउंड एंड पीएनजी से मुझे ढूंढने में बहुत ही टाइम लगा, एंड आप लोग तो जानते ही होंगे कि विजय मेहर के बैकग्राउंड एंड पीएनजी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। एंड गूगल में सर्च करने के बाद भी विजय मेहर की फ़ोटो तो आ जाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड एंड पीएनजी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड एंड पीएनजी होगा आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फुल एचडी में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप इसी तरीके का फोटो एडिटिंग चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, पहला स्टेप में आपको लेना पड़ेगा ये वाला बैकग्राउंड। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फुल एचडी में मतलब मिल जाएगा उसको डाउनलोड करने पर। सो दोस्तों, अभी हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाकर यहाँ पर मॉडल वाला फोटो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, मैंने इस तरह से फ़ोटो क्लिक की थी, जिस तरह से विजय मेहर ने फोटो क्लिक की थी। तो दोस्तों, आप भी अगर इस फोटो का एडिटिंग करना चाहते हो तो आप भी इसी तरह से क्लिक करना। सो दोस्तों, देखिए मैं किस तरह से ऐड करता हूँ। आपका जो राइट हैंड है वो आपको माइक के ऊपर रहना चाहिए। सो दोस्तों, इस तरह से ऐड करने के बाद हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा ऐड फोटो में। सो दोस्तों, फाइनली हम ऐड फोटो पर आ गया हूँ। आ जाने पर यहाँ पर आपको लाइन वाला बोर्ड का फोटो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये वाला जो फोटो है आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड करके अब भी मेरी तरह एडिटिंग करो। सो दोस्तों, इस फोटो में थोड़ा सा गड़बड़ी है। सो दोस्तों, इसको हम राइट साइड से, लेफ्ट साइड से एंड ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। सो दोस्तों, क्रॉप करने के बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद इस फोटो को ध्यान से ऐड करना पड़ेगा, हाथों के ऊपर भी रहना चाहिए एंड लाइन के आग जो है और मॉडल का आग जो है, ये दोनों चीज़ मिलना चाहिए। हाथों के ऊपर होना चाहिए बोट एंड मॉडल का जो आँख है उस आँख से एंड लायन का आँख से मिलना चाहिए। सो दोस्तों, इसको सावधानी से ऐड करिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने जब पहली बार इस फोटो का एडिटिंग किया था तब गड़बड़ हो गया था, आँख थोड़ा नीचे आ गया था। सो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिक मतलब एकदम रियलिस्टिक सा लुक आना चाहिए। सो दोस्तों, देखते रहिए मैं किस तरह से इस फोटो को ऐड करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद हम इरेजर में जाएंगे। इरेजर में जाकर हमारे उंगलियों के ऊपर जो बोट का पीएनजी आए हैं उनको हम इरेस कर लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर हम इरेस कर लेते हैं थोड़ा, ताकि दिखने में रियलिस्टिक सा लुक आए और ऐसा दिखना चाहिए कि हम हाथ से बोट पकड़ा हुआ है, ऐसा दिखना चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पर रियलिस्टिक सा लुक आ गया है। सो दोस्तों, यहाँ से हम सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद इस पिक में थोड़ा सा अभी कमी है और एक हाथ हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाकर फिर से हम मॉडल वाला फोटो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो दूसरा हाथ है उसको हम क्रॉप कर लेंगे। नीचे से क्रॉप करेंगे, ऊपर से क्रॉप करेंगे एंड राइट साइड से थोड़ा सा हम क्रॉप कर लेंगे। सो क्रॉप करने के बाद ये हमारा हाथ यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। सो दोस्तों, इस हाथ को हम डन कर देंगे। ऐसे डन करने के बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, देखते रहिए मैं किस तरह इस लेफ्ट हैंड को यहाँ पर ऐड करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको, गर्दन के थोड़ा नीचे ऐड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, हमारा हाथ जो है, हाथ तो हमारा सर के ऊपर नहीं जाएगा ना, इसलिए हम गर्दन के नीचे हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो हाथ है अब हमेशा गर्दन के नीचे ही होता है, सर के ऊपर तो नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर ऐड करने के बाद हम इरेजर में जाएंगे एंड यहाँ पर रियलिस्टिक सा लुक देने के लिए यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद हम दोस्तों यहाँ से थम, जो हमारा थम है मतलब बुरा उंगली कहा जाता है इसको, बुरा उंगली, उसको हम इरेज कर लेंगे। सो दोस्तों, ये यहाँ पर रियलिस्टिक सा लुक आ जाएगा यहाँ पर इरेज करने के बाद। दोस्तों देखिए, यहाँ पर फाइनली रियलिस्टिक सा लुक यहाँ पर आ गया है। सो दोस्तों, यहाँ से हम सीधा सा डन कर लेंगे। डन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सीधा सा, हम ड्रॉ टूल में जाएंगे। ड्रॉ टूल में जाने के बाद थ्री डॉट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। थ्री डॉट वाला ऑप्शन में क्लिक करके इस पिक को हम अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। सो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर रियलिस्टिक सा लुक देना पड़ेगा। लाइट रूम में जाना पड़ेगा हमको। लाइट रूम का एडिटिंग जो है वो कलर एडिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। सो दोस्तों, हम फाइनली यहाँ पर लाइट रूम में आ गया हूँ। आ जाने के बाद हम यहाँ पर अपना फोटो जो अभी एडिटिंग किया है उस फोटो को हम ऐड कर लेंगे। और दोस्तों, मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि हमारे चैनल पे अगर कोई नया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि विजय मेहर का बैकग्राउंड एंड पीएनजी सबको कई बार भी नहीं मिलेगा, इतने आसानी से नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने चैनल पर ही मिलेगा।
दोस्तों यहाँ पर हम स्क्रोस को कम कर लेंगे, हाईलाइट को हाई कर लेंगे, व्हाइट को हम यहाँ से हाई कर लेंगे, व्हाइट को हाई करने के बाद हम ब्लैक को हम यहाँ से लो कर लेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो ताकि बाद में आपके एडिटिंग में काम आ सकते हैं। इन तीन चीज़ों को आप ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दोस्तों अभी हम कलर्स वाला ऑप्शन में जाएंगे, कस्टम वाला ऑप्शन लेंगे, या से मिक्स वाला ऑप्शन में जाएंगे, गुलाबी कलर का ऑप्शन लेंगे, ह्यू को हम थोड़ा सा हाई करेंगे, सेचुरेशन को हम लो करेंगे एंड लुमिनियस को हाई कर लेंगे। सो दोस्तों यहाँ से हम लुमिनियस को थोड़ा सा हाई कर लेते, शायद लुमिनियस ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा कम कर लेता हूँ यहाँ से। अभी हम येलो कलर के ऑप्शन में जाएंगे, ह्यू को हम लो कर लेंगे, सेचुरेशन को हाई कर लेंगे एंड लुमिनियस को यहाँ से थोड़ा सा हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद हम रेड कलर का ऑप्शन में जाएंगे, ह्यू को हाई कर लेंगे, सेचुरेशन को हाई कर लेंगे, उसके बाद हम लुमिनियस को भी यहाँ से हाई कर लेंगे। सो दोस्तों यहाँ से मैं लुमिनियस को थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ। हाई करने के बाद यहाँ से सीधा सा हम डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे फिर से ट्राइंगल वाला ऑप्शन में जाएंगे। ट्राइंगल वाला ऑप्शन में जाकर हम शार्पनेस को यहाँ पर थोड़ा सा हाई कर लेंगे। शार्पनेस को हाई करने के बाद हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हम मार्किंग को हाई करेंगे यहाँ से। मार्किंग को हाई करने के बाद हम और नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद हम यहाँ से नॉइज़ वाला ऑप्शन को हाई कर लेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर नॉइज़ वाला ऑप्शन को हाई करने के बाद हम यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कलर नॉइज़ वाला ऑप्शन, उसको भी हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर ब्यूटी प्लस वाला लुक आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हम सर्कल वाला ऑप्शन में जाएंगे। सर्कल वाला ऑप्शन में जाकर क्लियरिटी को थोड़ा सा हाई करेंगे। क्लियरिटी को हाई करने के बाद हम यहाँ से बिगनेट को थोड़ा सा लो कर लेंगे। सो दोस्तों बिगनेट को लो करने के बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एकदम हो जाएगा, एडिटिंग मतलब हो जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी धमाकेदार एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।